आप कंफ्यूज है कि बीएससी बायोटेक और बीटेक बायोटेक में से कौन सा कोर्स आपको चूज करना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, जहां मैं आपको दोनों कोर्सेज से कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सा कोर्स करना आपके लिए बेटर रहेगा। हाय, आई एम योगी शर्मा एंड आई एम फाउंडर ऑफ बायोकेडमी। जब भी कोई स्टूडेंट 12th पास करके डिसाइड करता है कि उसे बायोटेक्नोलॉजी में ही अपना करियर बनाना है, उसके पास एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उसे बीएससी बायोटेक करना चाहिए या बीटेक बायोटेक। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आपके लिए बीटेक ज़्यादा बेटर है कि बीएससी बायोटेक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर हम बात करें एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बीएससी बायोटेक और बीटेक बायोटेक दोनों में सिमिलर से क्राइटेरिया एडमिशन के लिए। आपके पास पीसीबी या पीसीएम कॉम्बिनेशन होनी चाहिए 10+2 में और मिनिमम परसेंटेज आपकी 60% एटलीस्ट होनी चाहिए। बेसिकली बीएससी बायोटेक का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 3 साल का एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस रहता है और इसमें आपके कोर सब्जेक्ट स्टार्टिंग से ही पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि सेल बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ऐसे जितने भी बायोटेक के कोर सब्जेक्ट्स हैं वो फर्स्ट ईयर से ही अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं और 3 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। बात करें अगर इस कोर्स की फीस स्ट्रक्चर की, तो बीएससी बायोटेक में लगभग मान के चलिए आपको 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आप सरकारी कॉलेज से पढ़ रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे कि बीएससी बायोटेक करके जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में बीएससी बायोटेक करके जॉब मिलना नियर इम्पॉसिबल है, क्योंकि जॉब वैकेंसीज आती ही नहीं है बीएससी बायोटेक की। एमएससी बायोटेक की वैकेंसीज फिर भी आती है, बट बीएससी बायोटेक के लिए कोई वैकेंसीज नहीं आती है। और जहां कुछ वैकेंसीज आ भी जाए तो वहां पे 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं वैसे ही वैकेंसीज नहीं है बीएससी बायोटेक की, तो इंसान 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा। ये तो बात हुई गवर्नमेंट सेक्टर की। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में बीएससी बायोटेक करके जॉब्स हैं या नहीं है। अगर हम कोर डोमेन की बात करें, लाइक अपने बायोटेक्नोलॉजी का डोमेन है जो, और लाइफ साइंसेस डोमेन है, इसमें बीएससी बायोटेक करके जॉब्स इसमें भी नहीं है। आपको थोड़ा हटके जॉब्स मिलेंगी इसमें, जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, मेडिकल कोडिंग हो गया, मेडिकल स्क्राइब हो गया, ये कुछ जॉब्स हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर लैब असिस्टेंट के रोल पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसी जॉब्स में आपका सैलरी पैकेज बहुत कम रहेगा और आपको मास्टर्स करना ही करना पड़ेगा अगर आप बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। वैसे तो बीएससी बायोटेक करके जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपको जॉब मिल भी जाए तो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक का पैकेज आपको स्टार्टिंग में मिल सकता है। फर्दर ग्रोथ का इसमें स्कोप नहीं है, आपको मास्टर्स करना ही करना पड़ेगा, मास्टर्स से कंपल्शन हो जाता है अगर आप बीएससी बायोटेक कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं हम बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी, एक 4 साल का इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जिसमें आपका फर्स्ट ईयर सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस की तरह कॉमन होता है। जो बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वही आप भी अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपके कोर सब्जेक्ट्स चालू हो जाते हैं, जैसे कि सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं और 4 साल में पूरे डिग्री प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बात करें बीटेक बायोटेक करने के बाद जॉब्स की, तो यस, गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर्स में जॉब्स अवेलेबल हैं बीटेक बायोटेक वालों के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें रिसर्च फेलो, रिसर्च कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट फेलो, ये सारी जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि बीटेक बायोटेक कैंडिडेट ज्वाइन कर सकता है। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में भी बीटेक बायोटेक वालों के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है, और एज ए बायोटेक इंजीनियर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च फेलो, ऐसी सारी पोजीशंस इनको प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाती हैं। अब बात करें बीटेक बायोटेक करने के बाद सैलरी पैकेजेस की, तो यस, बीटेक बायोटेक के बाद सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। स्टार्टिंग सैलरी पैकेज आपको 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में कहीं भी मिल सकता है, और फर्दर एक्सपीरियंस के साथ आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे सैलरी पैकेज आपका और बढ़ता जाएगा। ये तो बात हुई दोनों कोर्सेज की। अब हम कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा कोर्स चूज करना आपके लिए बेटर रहेगा। बात करते हैं रिसेंटली यूजीसी के गाइडलाइंस की। यूजीसी ने गाइडलाइंस निकाली है कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करने वाले लोग डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप बीटेक बायोटेक कर रहे हैं तो डायरेक्टली पीएचडी के लिए जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मास्टर्स। आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको एमटेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पीएचडी के लिए जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बीएससी बायोटेक की बात करें, बीएससी बायोटेक करने के बाद आपको एमएससी करना ही करना पड़ेगा, जो कि 2 साल का ड्यूरेशन रहता है, देन उसके बाद आप फर्दर पीएचडी कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी तब आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं, और बीटेक बायोटेक करके जो कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि आप बीटेक बायोटेक करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर हम पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दूसरी बात में अगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ तो इंडस्ट्री में बीटेक बायोटेक और एमएससी बायोटेक दोनों ही कैंडिडेट्स को बराबरी पे देखा जाता है, मतलब इक्वली ट्रीट किया जाता है इंडस्ट्री में।
पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इंडस्ट्री में मैं जिस लेवल पे था एमएससी करके जिस लेवल पे मैंने जॉब स्टार्ट करी थी उसी लेवल पे बीटेक बायोटेक कैंडिडेट्स भी स्टार्ट कर रहे थे। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो बीटेक बायोटेक करना एक बेटर करियर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू बीएससी बायोटेक, क्योंकि बीटेक बायोटेक करती है आप पीएचडी के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे और आपको बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप बीएससी बायोटेक की बात करें तो आपको फर्दर एमएससी करना जरूरी हो जाता है और एमएससी के बाद ही आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे और फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलेंगी। तो अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछे कि बीटेक बायोटेक करना चाहिए बीएससी बायोटेक, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बीटेक बायोटेक करने एक बेटर करियर ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपका कंफ्यूजन दूर करने में और आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे अपने करियर के लिए कि आपको बीएससी बायोटेक करना चाहिए या बीटेक बायोटेक। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।